मोदी जी को, ना वो लोगों को मानते हैं केजरीवाल जी के काम के लिए बहुत अहंकार में डूबे हैं मोदी जी। सिसोदिया साहब के गल दे विच बां पा के उन्होंने इस तरह खिच के लैके गए जिवें मतलब कोई आम इंसान नूं भी नहीं खिच के ले जा सकता। बड़ा मतलब वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है ते खास तौर पर आम आदमी पार्टी के लीडरां ने वो वीडियो अपने ट्वीटां दे उत्ते भी सांझी कर दी है। तो दूजे पासे संजय सिंह कहिंदे ने कि देश तानाशाही नूं देख रहे हैं। केजरीवाल साहब कहिंदे ने कि पुलिस नूं अजिहा करना चाहिदा सीगा जां उन्हां ने ठीक किया। तो वड्डे सवाल इस वीडियो ते खड़े हो जाता मनीष सिसोदिया चुने हुए व्यक्ति ने ते जे इन्हां नूं इन्ना ही आ वी वीडियो च नहीं करवाउणा तां फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं पेशी करा दिया कर। उह अजिहा ही गल ना होवे जिहदे नाल देश टुटदा होवे। संविधानक दायरे च रह के हर बंदे नूं गल कहण दा पूरा अधिकार है। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल दे विच बंद ने, उन्हां नूं जदों पेशी दे उत्ते लियांदा गया तां इस दौरान मीडिया ने उन्हां नूं घेरन दी कोशिश कीती। मीडिया ने सवाल जवाब करने से तो जदों सिसोदिया साहब थोड़ा जिहा अगे वधे तो पुलिस ने उन्हां नूं रोकिया ते एक पुलिस अफसर ने इन्नी क हद करती कि सिसोदिया साहब दे गल दे विच बां पा के उन्हां नूं इस तरह खिच के लैके गए जिवें मतलब कोई आम इंसान नूं भी नहीं खिच के ले जा सकता। बड़ा मतलब वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है ते खास तौर पर आम आदमी पार्टी के लीडरां ने वो वीडियो अपने ट्वीटां दे उत्ते भी सांझी कर दिती है। तो पुलिस कहती है जी असी किसी तरह की कोई बसलुकी नहीं की, पुलिस की ड्यूटी सी हिरासत दे विच किसी नूं कोई भी प्रेस वार्ता जां बयान देण दी खुल नहीं हैगी, मनाही है। तो इसे दे चलदे आ ट्वीटां दी गल कीती जावे तां इल्जाम तां लगे ने। तो दूजे पासे संजय सिंह कहिंदे ने कि देश तानाशाही नूं देख रहा है ते नाल ही मानव अधिकारां दा उलंघन हो रहा है। हरजोत बैंसोरी कहिंदे ने ते केजरीवाल साहब कहिंदे ने कि पुलिस नूं अजिहा करना चाहिदा सीगा जां उन्हां ने ठीक किया। तो वड्डे सवाल इस वीडियो ते खड़े होए ने। देखो पहली गल तो यह है मनीष सिसोदिया चुने हुए व्यक्ति ने ते जे इन्हां नूं इन्ना ही आ वी वीडियो च नहीं करवाउणा तां फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं पेशी करा दिया कर। नाल तां इन्नी पुलिस उत्थे लाई जांदी है पर लोकतंत्र प्रणाली दे विच किसी बंदे नूं अपनी गल कहण दा पूरा अधिकार है। वो कह सकदा है, वो अजिहा ही गल ना होवे जिहदे नाल देश टुटदा होवे। संविधानक दायरे च रह के हर बंदे नूं गल कहण दा पूरा अधिकार है। इस गल नाल मैं वड्डी पद्धर ते कह सकदा ये गल गलत है। जो भी होया इस तरह नहीं होना चाहीदा सी, इह तों बचिया जाना चाहीदा सी जी। ये गलत है। मेरा ख्याल है कि जिहड़ा कुछ ये सारा कुछ हो रहा है ये लोकतंत्र किसी पासे नूं हो रही जा रहा है। जे लोकतंत्र नूं ना बचाया तां ये लोकतंत्र पता नहीं किहड़ा जोकतंत्र बन के रह जाएगा। सारियां राजसी पार्टियां जिहदे जिहदे कोल सत्ता आउंदी है पता नहीं वह की कुछ करदे आ की कुछ नहीं करदे। सत्ता तो बाहर रह के बहुत पाठ पढ़ाउणगे ते जदों सत्ता च आ जांदे आ उदों फिर उसे रस्ते ते वह भी तुरना शुरू कर देंगे। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंदवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।